हाय हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो गाइस अभी हम शोपियान फ्रूट मंडी में हैं। ये सामने रहा, ये सामने एंट्री गेट है। यहां पे तो दरिया में यार बहुत बड़ी जगह दी हुई है यार फ्रूट मंडी को। तो गाड़ियां तो यहां पे बहुत ज़्यादा होती हैं। कश्मीर में सबसे बड़ी दो ही मंडी हैं, एक तो शोपियान हो गया और दूसरी सोपोर वाली। सबसे बड़ी मंडी दो ही हैं। हम तो कंटिन्यू तकरीबन हर साल शोपियान ही आते हैं, क्योंकि हम मुगल रोड से आते हैं, वहाँ से आते हो फिर हमको शोपियान अच्छा पड़ता। तो अभी हम यहाँ पे लोडिंग के लिए आ चुके हैं। लोडिंग हमारी कंप्लीट कंफर्म हुई है बनारस की। तो रसत्रपाल हमने खोल लिया, अभी लोडिंग के लिए रेडी है। यह सामने रहा रहमत फ्रूट, यहाँ से हमारी गाड़ी लोड होगी। तो गाइस अभी हमारी गाड़ी लोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, तीन टालें लग चुकी हैं। तो लोडिंग अभी कंटिन्यू चल रही है, देखते हैं अगर आज को निकल पाएगी तो ठीक, नहीं वरना कल तो निकलेगी हर हाल में। तो वो रहा गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ अफ्तार, लोडिंग करवा रहा है सामने, वहाँ पे टावाल गिनती कर रहा है। तो मैं अभी बाहर घूम रहा हूँ, ये चेक करें यहाँ पे मंडी। यार माल तो उतना ज़्यादा अभी है भी नहीं है। तो गाइस अभी फाइनली हमारी गाड़ी लोडिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो फटे वटे लगा दिए हैं, ये अफ्तार अभी क्लियर हो गया फटे लगा के। तो अभी ये गाड़ी से नीचे उतर गया, अभी हमें डालने हैं तिरपाल। तो अभी तिरपाल डालेंगे, तिरपाल डाल के फिर करते हैं गाड़ी को कम्प्लीट। तो कंप्लीट करके फिर निकलेंगे थोड़ी देर में। तो आज जुमे का दिन है, यहाँ पे देखो नमाज के लिए कितनी दुनिया इकट्ठी हो गई है। पूरी मंडी बंद हो गई है, अभी नमाज का टाइम है ना, पूरी मंडी बंद हो गई है। सब लोग लेबर से लेकर व्यापारी से लेकर जितने सब गए नमाज पढ़ने के लिए। तो रसा तिरपाल हमने कर लिया कम्प्लीट, रसा तिरपाल पूरा कम्प्लीट कर लिया। अभी अफ्तार गाड़ी को थोड़ा साइड भी कर रहा है, ये आपके सामने ही है। तो मैं अभी यहाँ बाहर खड़ा हूँ, वो अभी गाड़ी थोड़ा साइड पे करेगा। यहाँ पे दूसरा गाड़ी एक और रहना जान पहचान का, वो सामने पीछे रहा, तो वो अभी यहाँ पे लगाएंगे, उसका सतपाल भी वो करेंगे ना, तो गाड़ी के साथ में लगा के करेंगे। तो देखते हैं अभी उसका रसतपाल होने के बाद थोड़ा जल्दी कोशिश करेंगे निकलने के, यहाँ से निकलेंगे तो अपना सफर हम कंटिन्यू जारी रखेंगे। तिरपाल बताना यार कैसा हमारा, हमने अपनी तरफ से बहुत मेहनत की है यार, कैसी है तिरपाल यार। तो गाइज अभी रात के दो तीन बज, दो बजे के लगभग टाइम हो चुका है। ये देखो इतनी टनल निकाल दी है, इतनी यार बात ही मत पूछो, बहुत ज़्यादा टनल है यहाँ पे। तो हम भी कंटिन्यू चल रहे हैं, देखते हैं सुबह कहाँ तक पहुँचते हैं। तो गाइज फाइनली हमने कर लिया शामली पार, अभी हम कंटिन्यू चल रहे हैं मेरठ की ओर। अभी देखते हैं मेरठ में तो लगभग 8 बजे 9 मिनट भी लग जाते हैं। चलो हमको बाईपास है, थोड़ा बाईपास से घूम के जाना पड़ेगा, देखते हैं वहाँ पे उस ट्रैफिक वाला मिलेगा, एक दो ट्रैफिक मिला तो बाकी हो सकता है अभी ना भी मिले। बाकी चेक करें विजिबिलिटी अभी ख़राब होना शुरू हो गई यहाँ पे, देखो ये देखो अभी फॉग शुरू हो गई अभी से। अभी आगे पता नहीं, अगर बारिश ना हुई तो मेरे ख्याल में आगे तो बहुत ज़्यादा फॉग आना शुरू होगा, अनुमान है। अभी भी देखो विजिबिलिटी क्लियर नहीं है। अभी सुबह सुबह का टाइम रात भर ऐसे ही रहा, मैं तो रात भर सोया था लेकिन अफ्तार गाड़ी चलाता रहा, अभी वो सो रहा है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, सुबह का अभी 6:50 हो चुके हैं। गन्ने की फसल है यहाँ पे लगी है, देखो सब करने की फसल है। बाकी धान वगैरह तो कटिंग कर ली है इन लोगों ने। अभी चल रहे हैं, देखते हैं अभी मेरठ पार करेंगे तो कोशिश करेंगे, हमें जाना है बनारस। कोशिश करेंगे दिन पार चलने से, अगर रात को, दिन को अच्छा सफ़र हो गया, रात को भी अच्छा सफ़र हो गया, सुबह के टाइम वहाँ पे नोट नहीं होता है दिन को, अगर नोट से पहले रात में घुस पाए तो फिर इंशाल्लाह कल सुबह तक पहुंच जाएंगे हम, अगर नहीं तो फिर मेरे ख्याल में परसों ही शाम को घुसानी पड़ेगी गाड़ी। रोड तो पहले बुरा हाल था यहाँ का, एक साल पहले तक, अभी तो बहुत बढ़िया रोड इन्होंने बना दी है करनाल से मेरठ तक पूरा। हमारे साथ में एक गाड़ी थी,
की वजह से थोड़ा लेट हो गया, वरना हमारा मेरठ तो सुबह इंशाल्लाह अंधेरे में ही, इससे पहले बाहर होता रहा और अंधेरे में ही आज भी हो जाता, लेकिन अभी गाड़ियों का साथ था उसका कारण करके थोड़ा रुक रुक कर उसको साथ लेके आना पड़ता, तो पीछे रह जाते थे, इसकी वजह से हमें देर हो गई। अभी भी वो पीछे आ रहा, थोड़ा सा दूर ही है, साइड मिरर में दिख नहीं रही है। अभी कंटिन्यू हम चल रहे हैं, चेक कीजिए, व्यू तो बहुत अच्छा है, सिर्फ विजिबिलिटी क्लियर नहीं है। अभी थोड़ी देर में धूप हो जाएगी, दिन को तो अच्छा ही क्लियर ही हो जाएगी, विजिबिलिटी तो थोड़ा बहुत रहेगा फॉग, लेकिन क्लियर ही हो जाएगा। बाकी रात में तो अभी फॉग शुरू हो गई है। ये तो अनलोड करने गाड़ी आई, हमें भी यहाँ से वापसी मेरे घर में दौन ही लेके आना पड़ेगा, क्योंकि विधान चल रहा है। ये फिर आगे दान वाली गाड़ी चलेगा, ये गाड़ी बहुत लार मारती है, बात मत पूछो, बहुत ज़्यादा जब दान लोड होता है, वो भी हाइट वाला। तो गाइज हम अभी फाइनली बनारस पहुंच चुके हैं, बनारस हम अभी एंट्री हो चुकी है हमारी सिटी में। तो ये कंटिन्यू अभी हम चल रहे हैं, मैं तो बैठा हूँ, अफ्तार गाड़ी चला रहा है। यहाँ पे देखिए यार सजावट बहुत बढ़िया कर रखी है, जो ये है ना तिरंगे वाली लाइटिंग की, सिर्फ लाइट की सजावट कर रखी है हर पोल पे तिरंगे वाले, यार येलो कलर है, वाइट है, ब्लू है, देख लो यार कितनी मस्त यार व्यू यहाँ का। अभी हम चल रहे हैं, न्यू एंट्री तो आगे 11 बजे खुलनी है रात को, अभी सिटी में आगे एक चौक का तो अभी मेरे को नाम मालूम नहीं यार, तो वहाँ आगे एक चौक आएगा, वहाँ पे मंडी से थोड़ा सा पहले पहाड़ी है मंडी, इस मंडी का नाम है, उससे थोड़ा सा पहले एक चौक है, वहाँ पर न्यू एंट्री थोड़ा लेट खुलता है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी गली है ना तंग सी, उसमें जाम लगने का खतरा रहता है, उसकी वजह से वो न्यू एंट्री वहाँ पर लेट तक रखते हैं। 11 बजे वहाँ से न्यू एंट्री खुलेगी, तो वहाँ से अभी तो हम मंडी में पहुँच ही गए हैं, अपने डेस्टिनेशन पे समझ लो और 4 किलोमीटर रह गया हमको, अभी तो फाइनली हो गया, तो देखते हैं अभी सुबह खाली तो होना चाहिए, अगर ना भी होगा तो भी देखेंगे। बाकी ये देखो सजावट तो बढ़िया कर रखी है इन लोगों ने, ये भी कोई JK नंबर गाड़ी है, कश्मीरी गाड़ी है कोई मेरे ख्याल में, ये भी तो मंडी में ही जाने वाली होगी, नहीं होगी तो दाएँ बाएँ की होगी, लेकिन मेरे ख्याल में मंडी की होगी, क्योंकि अंदर सिटी में वाली साइड आई हैं, अगर कहीं कोलकाता वाली साइड या बाहर की होती तो साइड से निकल जाती। तो ठीक है गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं समझ लो अपने बनारस मंडी में, डेस्टिनेशन हमारा हो चुका कंप्लीट, तो ख्याल रखें तब तक अपना, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई वाला।